मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जीडीए की 175 करोड़ की 116 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिसमें जीडीए के द्वारा एनएक्सी के समक्ष बनाया जा रहा फाउंटेन व हर्बल पार्क सहित अन्य योजना शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने खोराबाड़ टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना के फ्लैटों व भूखंडों की ई लॉटरी के, जिसमें 6 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से प्रमाण पत्र सौंपा और जीडीए के ऐप एक भी बटन दबाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जो विभिन्न तरह की योजनाएँ चल रही हैं, उन योजनाओं के क्रम में 175 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया है, जिसमें खोराबाड़ टाउनशिप व मेडिसिटी योजना के फ्लैट का ई लॉटरी सिस्टम के माध्यम से शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर फ्लैट पाने वाले सभी लाभार्थियों को धन्यवाद देता हूं और इसके बाद जिनको मिलने वाला है, जिसमें 560 लोगों को ईडब्ल्यूएस का फ्लैट मिलेगा और 440 एलआईजी का फ्लैट मिलेगा, 420 मिनी एलआईजी फ्लैट मिलेगा और 560 एमआईजी फ्लैट मिलेगा। इसके साथ ही 116 एलआईजी भूखंड, 89 एमआईजी भूखंड, 106 एचआईजी भूखंड मिलेगा। इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि पूरा महानगर विकास परियोजनाओं का लाभ लेगा, जिसके लिए गोरखपुर वासियों को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि आज का समय आर्थिक युग का समय है। देश हो या प्रदेश, विरासत के साथ आर्थिक रूप से भी समृद्ध है तो उसकी आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा यह कार्य 2017 से पहले यह काम नहीं होता था। अभी तक पूरे प्रदेश में 55 लाख लोगों को आवास की सुविधा मिल चुकी है। हमारा प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति बिना आवास के न रहे। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, विधायक विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रेसिडेंशियल टाउनशिप और 66 एकड़ में मेडिसिटी प्रस्तावित है। शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न करें। तालियों के साथ माननीय मुखियों को किस प्रकार से ई लॉटरी के द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मुख माननीय मुख्यमंत्री महोदय रैंडमाइजेशन करते हुए एलआईजी फ्लैट का सर्वप्रथम रैंडमाइजेशन एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से भूखंड एवं एमआईजी एचआईजी के भूखंडों का भी, और इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री हमनी सबके आस्था के केंद्र पूज्य योगी महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन हम चाहब के एगो जोरदार ताली के साथ महाराज जी के स्वागत होके के चाहिए। जोरदार मतलब जोरदार लगे कि भैया हो, आप भी आए हो, हम लोग भी हैं। स्वयं की भी एक बताए के पड़ी कि हम भी बैठल ही हो, हम लोग चल रहे हैं जीवन में। डॉक्टर मंगलेश कुमार जी महापौर, श्री फतेह बहादुर सिंह जी माननीय विधायक कैंपियरगंज, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य विधान परिषद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराई, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा, डॉक्टर विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, श्री युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिला अध्यक्ष, श्री राजेश गुप्ता जी माननीय महानगर अध्यक्ष, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा और मंचासीन सभी लोगों को हम प्रणाम करब। आज 175 करोड़ रुपए की योजना पूज्य महाराज जी ने पुनः मतलब हर हफ्ते देना हो, आज गोरखपुर के फिर मिलन बा। कुमारी अंशिका चौहान जी, डॉटर ऑफ श्री राजेंद्र प्रसाद चौहान जी, एलआईजी फ्लैट की द्वितीय आवेदक मध्यशिया जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के एलआईजी फ्लैट के लिए अपने आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए पूरा महानगर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के विकास की परियोजनाओं का लाभ लेगा, इसके लिए हृदय से गोरखपुर वासियों को मैं बधाई भी देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं आज का समय अर्थव्यवस्था का समय है, आर्थिक युग का समय है। देश हो या प्रदेश, समृद्ध विरासत के साथ साथ अगर वह आर्थिक रूप से भी समृद्ध है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय में भी उतनी ही वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है तो स्वाभाविक रूप से
उसकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी उतनी ही व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध होगी और खुशहाली का मानक भी वहां पर उसी रूप में उनको मिलता हुआ दिखाई देगा। ईज ऑफ लिविंग के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यद्यपि प्राचीन काल में इसके सबसे बेहतरीन माध्यम हमारे गांव थे, जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, लेकिन समय के अनुरूप गांवों का स्वरूप बदलता गया। प्राचीन गांव स्वावलंबी हुआ करते थे, आत्मनिर्भर हुआ करते थे, सरकारों पर उनकी निर्भरता ना के बराबर हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति जिस प्रकार की सुविधाएं चाहता है, अच्छी कनेक्टिविटी हो, स्कूल की व्यवस्था हो, अच्छी स्कूल की व्यवस्था हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, मार्केट हो, रोजगार की सुविधा और संभावना भी तेजी से बढ़ सके, नए अवसरों को तलाश सके, कनेक्टिविटी बेहतर हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन सुविधा का वे लोग लाभ ले सके और भी बहुत कुछ सुविधाएं व्यक्ति शहरी जीवन में ही ये सब संभव हो पाता है हो सके। और उसी क्रम में आज यह गोरखपुर की इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज यहां पर जिन परियोजनाओं को हमने लोकार्पण किया है उनमें पत्रकारपुरम में पत्रकारपुरम विस्तार आवासीय योजना का है, रामगढ़ ताल परियोजना में सर्किट हाउस के समक्ष फाउंटेन और हर्बल पार्क का कार्य है, हर्बल पार्क में 1500 से अधिक औषधीय पौधे लगाए गए हैं, पैलेगंज से बुद्ध विहार द्वार तक अर्नामेंटल लाइट्स का है, रामगढ़ ताल के किनारे रेलिंग लगाने का कार्य है, बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 25 केवीए का सोलर लाइट प्लांट लगाने का कार्यक्रम है और साथ साथ शिलान्यास की जो योजनाएं हैं जिनमें 22 परिस्थितीय विद्यालयों के कायाकल्प का कार्य है, 63 नगरीय परिस्थितीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास लगाने के लिए, सामुदायिक भवन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, पुलिस लाइन में परेड ग्राउंड में शेड लगाने का कार्य, प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में 9 स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य, ये सभी यहां पर उपलब्ध करवाने के कार्य आज शिलान्यास और लोकार्पण के माध्यम से भी किए गए हैं। आज रामगढ़ ताल आपका देखो कितना अच्छा ताल बन चुका है, पूरा देश जो भी गोरखपुर आता है वह गोरखनाथ मंदिर भी जाता है तो रामगढ़ ताल की तरफ आना भूलता नहीं है, और शाम के समय अगर कोई आ गया तो फिर रवि किशन की तरह फिर जाने का नाम भी नहीं लेगा। देखो अब उन्होंने पहले वे फिल्म की शूटिंग के लिए आए, आज जनता जनार्दन की फिल्म की शूटिंग के साथ साथ जनता जनार्दन की सेवा यहां पर कर रहे हैं एक सांसद के रूप में और आपके लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में। ये होती है, आपका शहर जब अच्छा लगेगा तो हर व्यक्ति आएगा और फिर वहां रहकर के अपनी एक नई सोच देगा। वे एक कलाकार हैं तो कला की एक नई सोच, नौजवानों को कलाकार बनाने के लिए कला के बारे में कला के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने की एक नई प्रेरणा, और उनके साथ देश और दुनिया का कलाकार यहां आता है देखने के लिए कि गोरखपुर में अच्छा इतनी बड़ी नहीं तो गोरखपुर में आज से 10 साल पहले 20 साल पहले तो गोरखपुर का नाम लेकर के लोग डरते थे, लोग आते नहीं थे, लोगों को भय रहता था पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन आज तो गोरखपुर में फिल्मों की शूटिंग हो रही है, गोरखपुर में एम्स भी है, गोरखपुर में फिर से फर्टिलाइजर कारखाना चालू हो गया है, पिपराइच में चीनी मिल फिर से चालू हो गई है, जू भी यहां बन गया है, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है, गोरखपुर की सड़कें अब तो जाम की समस्या से काफी हद तक समाधान मिल चुका है। कमिश्नर महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को
कमिश्नर सर की अनुरोध करते हैं कि माननीय सांसद महोदय को अंगवस्त्रम के द्वारा साथी आदरणीय उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण महोदय के कर कमलों से मंचासीन समस्त विधायकगण समस्त अतिथिगण को आज के इस कार्य परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में संरक्षण देने के लिए हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं। गुरुवर के चरणों में शत शत नमन वंदन एवं अभिनंदन की आपका वरद हस्त वट वृक्ष के रूप में सदैव हम सभी पर बना रहे।